आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द गिवन क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8% दैट इज एफ जी एच आई जे के एल एंड एम वर बोर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। देयर वर 3% बोर्न बिटवीन एच एंड एल एंड बोथ वर बोर्न ऑन द मंथ हैविंग 31 डेज। Both F and G were not born in the month of 31 days. M was born before K and after L. At least 2% were born before L and K. F born before L and after G. There were as many persons born before I as after J. L born before. In which of the following month I was born? यहाँ पर total 8 persons दिए गए हैं, जो कि F, G, H, I, J, K, L and M. जो मंथ दिए गए हैं वो है जनवरी, यहाँ पर है फरवरी, यहाँ पर है मार्च, यहाँ पर है अप्रैल, फिर दे रखा है मई, फिर दे रखा है जून, जुलाई एंड अगस्त। यहाँ पर जनवरी जो रहता है वो 31 का रहता है, फरवरी है 28 डेज का, मार्च होता है 31 डेज का, अप्रैल होता है 30 डेज का, मई होता है 31 डेज का, जून होता है 30 का, जुलाई होता है 31 का और जो अप्रैल होता है 30 डेज का। अब आगे देख लेते हैं, हमसे बोला गया है देयर वर 3% बॉर्न बिफोर एच एंड एल एंड बोथ वर बॉर्न ऑन द मंथ ऑफ हैविंग 31 डेज। देयर वर 3% बॉर्न बिफोर एच एंड एल, एच और एल के पहले 3% हुए हैं जो कि 31, जिनका जो मंथ है वो क्या है 31 है। तो देखिए एच और एल या तो जनवरी में हुए हैं जो कि 31 डेज है, या तो फिर मार्च में हुए हैं जो कि 31 डेज है, या तो फिर अप्रैल में हुए हैं जो कि 31 डेज है, मई में हुए हैं जो कि 31 डेज है, या तो फिर जुलाई में हुए हैं जो कि 31 डेज है। फिर आगे बोला गया है बोथ एफ एंड जी वर नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ 31 डेज। एफ और जी अगर 31 डेज के बीच नहीं मंथ हो, उनका बॉर्न 31 डेज के मंथ में नहीं हुआ है, या तो फिर 28 में हुआ होगा एफ और जी, या तो 30 में हुआ होगा एफ और जी, या तो जून में हुआ होगा एफ और जी, या तो अगस्त में हुआ होगा। अब हमसे क्या बोला गया है, बोथ एफ एंड जी वर नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ 31 डेज। एम वॉज बॉर्न बिफोर के एंड आफ्टर एच। एम कब हुआ है, के और एच के पहले और एच के बाद हुआ है। तो देखिए 3% एच और एल के बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एच आएगा, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एच आएगा देन 1, 2, 3, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। मई में कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा, क्योंकि तीन जो जने हैं वो किसके बीच में बॉर्न हुए हैं, एच और एल के बीच में। आगे देख लेते हैं हम, बोथ एफ एंड जी वर नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ 31 डेज। एम वॉज बॉर्न बिफोर के एंड आफ्टर एच। एम कब हुआ है, के पहले हुआ है और एच के बाद हुआ है। तो या तो एम यहाँ हो सकता है, या एम यहाँ हो सकता है, या एम यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है एम, या यहाँ हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि के पहले हुआ है तो यहाँ भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं और क्या बोला है, एम वॉज बॉर्न बिफोर के एंड आफ्टर एच, एटलीस्ट 2% वर बॉर्न बिटवीन एल एंड के, एल और के बीच में 2% हुए हैं। अगर हम यहाँ पर 2 छोड़कर यहाँ पर के लिखते हैं तो कंडीशन क्या दी गई है कि के पहले एम आना चाहिए, मतलब ये वाला के नहीं आ सकता। तो मतलब यहाँ यहाँ तो यहाँ पर लास्ट जो पोजिशन रहेगी वो किसकी हो जाएगी, के, मतलब यहाँ पर एम नहीं आएगा, एम इन तीनों जगह में से कहीं पर आएगा। फिर बोला गया है एफ बॉर्न बिफोर एल एंड आफ्टर जी, एल के पहले और जी के बाद हुआ है कौन, एफ। तो देख लेते हैं, जी अगर यहाँ पर आता, जी अगर यहाँ पर आता तो एल के पहले हुआ है एफ, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ। इट मीन्स यहाँ भी एम नहीं आएंगे। आगे देख लेते हैं, एफ बॉर्न बिफोर एल, एल के पहले एंड आफ्टर जी। देयर वर एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर आई एज आफ्टर जे, आई के पहले जितने पर्सन है उतने ही जे के बाद है।
यहाँ पर अगर हम सपोज करें कि अगर हम आई रखते हैं तो आई के पहले कितने हैं, 2% है, तो वहीं हमें जे रखना पड़ेगा जिनके नीचे 2% है। तो अगर हम यहाँ पर आई रखते हैं कि सपोज यहाँ पर हमने आई रखा, तो जे हमें यहाँ पर रखना होगा जिनके नीचे 2% है, तो बचा कौन रिमेनिंग हमारे पास एम, तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये वाला हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ आई वॉज बॉर्न, आई कौन से मंथ में हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा मार्च। आई का मंथ कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मार्च हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च। वही सेकंड क्वेश्चन हमसे बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न इन फेब्रवरी, फेब्रवरी में कौन हुआ है इन सभी में से, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फेब में कौन हुआ है, जी, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे एक और क्वेश्चन हमसे बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न जस्ट, वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एल, एल के जस्ट पहले कौन हुआ है, तो एफ हुआ है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास एफ नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा जी, एंड इसका आंसर हो जाएगा मार्च। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।